नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेंद्र है। मैं आज आप सबको बताऊंगा कि हम किस तरह से इंडिया के किसी भी कोने से नेपाल के मुख्य मुख्य हिंदू धार्मिक स्थल में हम लोग जा सकते हैं। उसके लिए सर्वप्रथम आपको रक्सौल, बिहार के रक्सौल जिले में पहुंचना होगा। ये जिला नेपाल के बीरगंज सिटी से सटा हुआ है, यानी यहाँ पे दोनों देशों का ये दो जिले यानी दो सिटी आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी जा सकते हैं और बाय ट्रेन बाय बस से इस नाके तक पहुँच सकते हैं। आप अपने पर्सनल कार से भी नेपाल जा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ शुल्क देना होगा भंसार में, जिसे भंसार कहते हैं। सबसे पहले आपको मनोकामना जाना होगा। मनोकामना जाने के लिए आप सीधे काठमांडू ना जाकर आप पहले हेटौडा से नारायणगढ़ की ओर जाइए। आप वहाँ से मनोकामना दर्शन के लिए जा सकते हैं। जब आप मनोकामना पहुंच जाएंगे तो कुछ इस तरह का एंट्रेंस गेट देखने को मिलेगा। यहां तक आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। मनोकामना टेंपल माउंटेन के टॉप पर बना हुआ है, वहां तक आप ट्रैकिंग करते हुए जा सकते हैं या आप गंडोला यानी केबल कार की मदद से भी जा सकते हैं। यदि आप माउंटेन चढ़ाई में आप सक्षम हैं तो ही जाएं, अन्यथा आप थक जाएंगे, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो चलने में। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप केबल कार से ही जाएं। आपको केबल कार का टिकट मात्र नेपाली 700 का पड़ेगा, जो कि लगभग इंडियन में 400-450 रुपये होगा। यह टिकट आने जाने का यानी दोनों तरफ का है, यानी एक ही प्राइस में, यानी आपको 450 रुपये में आने जाने का हो जाएगा। आपको केबल कार से ऊपर पहुंचने में लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे। पशुपति जा सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को एंजॉय करें और इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।